कमेड़ी देवी झाकरा मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बागेश्वर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि टेंडर होने के उपरांत भी लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण नहीं करा पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्रीय विधायक उद्घाटन भी कर चुके हैं, उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कपकोट पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इधर प्रभारी जिलाधिकारी राहुल गोयल ने ग्रामीणों को जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया है। जी, मैं कमेड़ी देवी झाकरा रोड के संबंध में आया था, जिसमें रोड में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पेड़ों का छपान हो चुका है, जॉब पिलर बन चुके हैं। माननीय विधायक जी, जिनकी ये उद्घाटन करते हुए फोटो है, 8 मार्च को उसका उद्घाटन माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया गया। बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है, 8 महीना उद्घाटन किए हुए हो गए, उसके बावजूद भी ये रोड नहीं कटी और न विभाग द्वारा इस पर कोई प्रक्रिया की गई। जबकि प्रथम ठेकेदार फेल है तो दूसरे ठेकेदार को उसका टेंडर दिया जाना चाहिए था, दूसरा भी नहीं करता तीसरे को दिया जाना चाहिए था। इनकी मिली भगत से इस रोड का कार्य अधूरा पड़ा है। हमने तो सोचा था उत्तराखंड कार्य बना करके कि हमारा विकास होगा, लेकिन विकास की जगह पर हम लोगों का यहाँ पर विनाश हो रहा है, हम लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज उत्तराखंड बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन विकास की जगह पर हमारे यहाँ पर 2 पत्थर भी नहीं लगे हैं। रोड के लिए लोग तरस रहे हैं, अधिकारी भी गोली दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि बोला 1 महीने इसकी रिटेंडरिंग करेंगे। जबकि एक दफे इसका उद्घाटन हो गया, पूरा टेंडर इसका पड़ चुका है, उसके बाद भी रिटेंडरिंग करने की प्रक्रिया को कह रहे हैं दूसरा ठेकेदार करेगा। हम ये गिरीशन जी के शिष्टमंडल में आए थे, गिरीशन प्रधान झाकरा के साथ, उनके यहाँ एक रोड सेंक्शन है कमेड़ी देवी से झाकरा, और जिसका विधायक जी ने उद्घाटन भी कर दिया, टेंडर भी हो गए और एक्सेप्टेंस नहीं मिलने के कारण 90 दिन तक इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जिसके कारण रोड का निर्माण रुका हुआ है। आज भी जो है ठेकेदार जो है प्रथम ठेकेदार नहीं करना चाहता है, तो दूसरे ठेकेदार को इनको जल्दी टेंडर एक्सेप्ट करके रोड का कार्य निर्माण कराना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। विधायक जी का कहना है, जैसा गिरीश चंद ने बताया, कि वो कहते हैं कि ये रीटेंडरिंग होगा। रीटेंडरिंग क्यों होगा, जब ठेकेदार मौजूद है, करने को सत्याल मौजूद है, तो उसके जल्दी से निर्माण हो जाता। इसमें तो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, जिसके कारण विभाग को पहले द्वितीय ठेकेदार को ही ये काम दे करके कार्य कराना चाहिए। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।